चैनल कैसे हैं आप सब लोग। तो हो गई है एक और दिन की शुरुआत, तो चलिए आज से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इनफैक्ट तो आज मैंने पहनी है साड़ी, और ये खड़े हैं कान्हा जी, ये मेरा भांजा है। तो आज मैंने पहनी है साड़ी क्योंकि आज है एकादशी, आज बड़ी वाली एकादशी है, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ देव उत्थानी एकादशी। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है हम लोगों के यहाँ यूपी में स्पेशली, तो इसीलिए आज येलो पहनना चाहिए, तो मैंने येलो साड़ी पहन ली है। और अभी मैं पूजा भी करूँगी, तो इसकी स्पेशल पूजा होती है तुलसी जी के पेड़ के पास विष्णु भगवान की, तो वो भी पूजा अभी मैं करूँगी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज के दिन मेरा फास्ट भी है, आज के दिन मतलब हम मेरे मायके में तो पूरा परिवार व्रत रहता था, खाना नहीं बनता था। यहाँ पर तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई नहीं रहता, सिर्फ मैं ही रहती हूँ फास्ट। कृषेव किचन से बर्तन निकाल रहा है, तो खैर यहाँ पे तो मैं ही व्रत रहती हूँ, बट आज के दिन हमारे, तो मैं ये बता रही थी कृष्ण पीछे से बर्तन फेंकने लग गया था, तो मैं ये बता रही थी कि आज के दिन हमारे यहाँ यूपी में चावल नहीं बनाते हैं, ना चावल खाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज के दिन चावल खाना कीड़े खाने के बराबर होता है, तो इसलिए आज हमारे यहाँ चावल नहीं बनेगा, हम लोग चावल नहीं खाएँगे। और मैं तो, मेरा तो फास्ट ही रहेगा, मैं तो खाना ही नहीं खाऊँगी। और आज के दिन हम लोग गन्ना ज़रूर चूसते हैं, और दो तीन चीज़ें हैं जो आज के दिन स्पेशली खाई जाती है, विंटर वाली चीज़ें, जैसे कि गन्ना आज के दिन से ही चूसा जाता है, और आज के दिन से और क्या, हाँ सिंगाड़ा, सिंगाड़ा आज के दिन ज़रूर खाया जाता है। हालांकि सिंगाड़ा मैं पहले भी खा चुकी हूँ इससे पहले भी, लेकिन मतलब आज के दिन ज़रूर खाया जाता है, और आज भोग भी सिंगाड़े का लगेगा, तो आज सिंगाड़ा खाया जाता है। और चलिए फिर आप खुद ही देखते रहेंगे पूरे दिन में मैंने क्या क्या किया, कैसे कैसे पूजा करी, तो बात ना करते हुए चलते हैं पूजा स्टार्ट करते हैं। और आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग कैसे पूजा करते हैं। यहाँ पर देखिए गाइस, कोई अपना मुंह छुपा रहा है क्योंकि वो 10:30 बजे सो के उठा है और वो अपनी हालत दिखाना नहीं चाहता है। ब्रश किया कि नहीं, क्यों कल ज्यादा खाना खा लिया, कल बताशे टिक्की पानी नुकसान कर गया बाहर का खाना। हाँ जी 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 जी, शिव शिव, तो कृषि यहाँ पे देखिए, आज मेरा फास्ट है ना, आज मत बोलिए ना, आज मेरा फास्ट है कृषि। वो फास्ट के एक दिन पहले कुछ नहीं खाते हैं। नहीं, मैंने लास्ट में मीठा खाया था कृषि। ये देखो कैसे खेल रहा है, अरे पकड़ो 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 पकड़ो, अरे पकड़ो 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 पकड़ो। तो अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट बन रहा है, प्रियंका दी बना रही है सबके लिए सूजी के अप्पे नाश्ते में, और मैं भी नहा के आ गई हूँ। अब मैं बनाऊँगी अपने लिए मूंगफली, बना लूँगी मैं अपने लिए चाय, अभी फ़िलहाल नाश्ते में यही खाऊँगी मैं, उसके बाद फिर कुछ बनाऊँगी लंच में। तो मैं अकेले ही व्रत हूँ इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं है, अपने अकेले के लिए इतना ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है। तो बस यहाँ पे मैंने मूंगफली निकाल ली है, और अभी मैं इसे हाथों से ही चला दे रही हूँ क्योंकि अभी गर्म नहीं हुआ है, तो बस यही ब्रेकफास्ट करूँगी। और आज का दिन जो होता है ना, देव उत्थानी एकादशी बोलते हैं इसको, तो ऐसा माना जाता है कि आज दिन विष्णु भगवान आज के दिन सो के उठते हैं, मतलब वो 4 महीने के लिए सो जाते हैं, तो आज के दिन वो सो के उठते हैं। तो और आज तुलसी विवाह भी है, तो इसलिए ये हमारे यहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है व्रत रह के पूजा करके। और बस यहाँ पे सब लोग अपना अपना नाश्ता कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे अपनी मूँगफली खा रही हूँ, बाकी लोग अपना अप्पे खा रहे हैं, मैं चाची प्रियंका दी सब लोग बैठे हुए हैं और टीवी भी देख रहे हैं, सबका टीवी सीरियल चल रहा है। तो खैर बस इसके बाद अभी मैं बनाऊंगी अपना आलू वगैरह जो भी बनाना होगा, और खाना तो रीता आ गई थी तो वो बनाएगी, और उसके बाद किचन किचन साफ हो जाएगा, फिर मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी। और पूजा आज की बहुत ही स्पेशल है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा पूरा वीडियो। तो बस यहाँ पे मैंने अपने लिए आलू फ्राई कर लिया है, तो भुने, तो आलू मेरा फ्राई हो गया, मैंने भुने जीरे वाला आलू फ्राई किया है, टमाटर नहीं डाला, ऐसे वाला आलू मुझे बहुत पसंद है, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाले हैं, ऐसे सौंदा सौंदा टेस्ट। गुड इवनिंग गाइज, तो अभी इवनिंग हो गई है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे लक्ष्मी जी के पैर, ये मैंने चावल भिगाया था उसको पीस के उसमें हल्दी मिला के इससे बनाया जाता है, हम लोग क्या ऐपन बोलते हैं इसको, लक्ष्मी जी के पैर बनाए जाते हैं। तो खुशबू दी और मैं मिलके बना रहे थे क्योंकि घर बड़ा है ना, तो दोनों लोग मिलके बना रहे थे। और ये हमारे यहाँ दिवाली के दिन भी बनाया जाता है, बट इस बार क्या हो गया था ना, हम लोग दिवाली में बना नहीं पाए थे क्योंकि चावल भिगाना भूल गए थे, तो आज के दिन भी बनाया जाता है, तो हम लोग वही बना रहे थे। लक्ष्मी जी के पैर बहुत शुभ होता है घर में बनाना, तो वही बना रहे थे। और
अभी यहाँ पे मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है और मैं चेंज वेंज करके आ गई हूँ। मैंने सूट ही पहन लिया क्योंकि देर हो रही थी, तो मैंने कहा चलो सूट ही पहन लेती हूँ, जल्दी हो जाएगा। और आज के दिन येलो पहनते, तो मैंने येलो पहना है। और अभी मैं यहाँ पे चौक बना रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना पूजा में चौक ज़रूर बनाते हैं गेहूँ के आटे का, तो वही चौक मैं यहाँ पे बना रही हूँ। चौक बेसिकली वही गेहूँ के आटे से कोई भी आप डिज़ाइन बना दो उसी को चौक बोलते हैं, तो वही मैं बना रही हूँ। तो सबसे पहले मतलब पूजा स्टार्ट होने से पहले पूजा की जगह में चौक ज़रूर बनाते हैं। विष्णु जी की पूजा में तो ज़रूर ये चौक बनाया जाता है, तो बस वही बना रही हूँ मैं। इसके बाद पूजा स्टार्ट होगी। तो ये जो एकादशी की पूजा होती है इसमें गन्ने की भी पूजा होती है और सिंगाड़ा चढ़ता है इस पूजा में, और मतलब विंटर वाली जो जो चीज़ें होती हैं वो चढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैं अष्टदल जो बनता है ना, अष्टदल कमल, वो बना रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लक्ष्मी जी के दो पैर बनाए और स्वास्तिक, और दोनों तरफ ऐसे चौक बना दिया है। तो जैसे मेरे यहाँ पूजा होता है, जैसे मुझे आता है, मैं वैसे कर रही हूँ। हर मतलब सबके यहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। तो यहाँ पे मैंने पीढ़े पे भी चौक पूर दिया है और उस पे मैंने तुलसी जी भी रख दी हैं क्योंकि आज तुलसी जी की भी पूजा होती है। तो यहाँ पे तुलसी जी का गमला रख दिया है। तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है। मैं और चाची बैठ गए हैं पूजा करने के लिए और बाकी सब लोग, मम्मी जी लोग सब लोग बैठ गए हैं। और यहाँ पे आज के दिन हमारे यहाँ 11 दिया जलाया जाता है, एकादशी है ना, तो इसलिए 11 दिया जलेगा घी का, बाकी तेल का जलेगा पूरे घर में। तो वही सब हम लोग लगा रहे हैं। और यहाँ पे मेरा चौक वॉक भी बन गया है, और चाहे तो रंगोली भी बना सकते हैं, बट हमने रंगोली नहीं बनाई क्योंकि रंगोली पता नहीं कहाँ रख दिया था। रंगोली का जो पाउडर होता है वो मिल नहीं रहा था, फिर इतना टाइम भी नहीं था, तो मैंने कहा छोड़ो जाने दो, बिना रंगोली के ही पूजा कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे वही दिया हम लोग सेट कर रहे हैं और बस पूजा स्टार्ट हो गई है यहाँ पे। और तुलसी जी को भी रखा है क्योंकि विष्णु जी के साथ तुलसी माता तो रहती हैं और आज तुलसी विवाह भी है, तो उनकी पूजा तो ज़रूरी होगी। तो यहाँ पे तुलसी जी को भी रख लिया, मतलब उनके गमले को भी रख लिया है, और ऊपर से तुलसी जी को ऐसे ये लहंगा है, लेकिन तुलसी जी छोटी थी तो उनको पहना तो सकते नहीं, तो मैंने ऐसे ही उढ़ा दिया है तुलसी माता को। और फिर जो पीढ़ा था उस पर पीला कपड़ा बिछा के विष्णु जी की फ़ोटो रख दी है और साथ में शंख रख दिया क्योंकि विष्णु जी के साथ शंख ज़रूर रहता है। तो हमारे यहाँ एकादशी में ऐसे ही पूजा की जाती है भगवान जी की, मतलब विष्णु भगवान की ही पूजा होती है। उनको मतलब वो सोते रहते हैं तो उनको उठाया जाता है, इसलिए उनको देवउत्थानी एकादशी, ये वाली एकादशी को बोलते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने पूजा शुरू कर दी है। और कोई भी पूजा हो, मतलब मुझे पूजा करना बहुत अच्छा लगता है और मतलब बड़ा मन से करती हूँ मैं पूजा, कोई भी पूजा हो, और ऐसे मतलब बड़ा पॉजिटिव, ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है घर में, सच में आ जाती है पूजा करने से। तो बस यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है और जैसे जैसे हम लोग को आता है वैसे वैसे करने से, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे होता है दी, तो मैं उन लोग को बता दूँ कि जैसे मुझे पता है जैसे हम लोग क्या होता है हम लोग वैसे कर रहे हैं, क्योंकि हर घर में पूजा अलग अलग होती है, सबका अपना अपना तरीका रीति रिवाज होता है, तो हमें जैसे पता है हम वैसे कर रहे हैं। तो प्लीज़ ये जज मत करने लगिएगा कि अरे आप तो ऐसे कर रही हैं ऐसे कर रही हैं, हमें जैसे पता है हम वैसे कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे जैसे नॉर्मल पूजा होती है, हल्दी अक्षत चंदन सब चढ़ा के, फूल वगैरह चढ़ा के, बस वही सब पूजा कर रहे हैं हम लोग। और बस अभी जो हमने ये दिए रखे हैं तो अब सारे दिए जला देंगे, तो आज पूरे 11 दिए जलेंगे, तो मैंने दोनों साइड रख लिया है, तो बस वही दिए मैं जला रही हूँ। और बिल्कुल बड़ा अच्छा लग रहा था, दिवाली वाली फीलिंग आ रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो आरती हो गई है अभी, और
विष्णु भगवान की आरती कर ली है और बस अब यहाँ पे मैं सबको आरती दूंगी। और ये देखिए ये कहाँ खड़े हैं, वहाँ पे खड़े हैं, अभी आरती करके गए हैं। और ये मुझसे बोलते तुम करो पूजा, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ पीछे। तो खैर ये वहाँ पे खड़े हैं और हर पूजा में रहते हैं, ऐसा नहीं है, मैं बोल देती हूँ कि कहीं जाना नहीं तो नहीं जाते हैं, उनको भी पूजा करनी पसंद है। और यहाँ पे देखिए मैंने दिए जला दिए हैं, जो बाकी के तेल वाले दिए थे ना ये सब घर में रखे जाएंगे सारे कमरों में, जैसे कि दिवाली में रखते हैं, तो वो भी मैंने जला दिए हैं। और अब बस अब सारे घर में हम जो है ये दिए रख देंगे और प्रसाद ले लेंगे, बड़ों का आशीर्वाद ले लेंगे बस। तो यहाँ पर मैं दिए लेके आ रही हूँ, यहाँ पे केले का पेड़ है ना उसके नीचे भी दिया रखेंगे, क्योंकि केले का पेड़ जो होता है वो भी विष्णु जी को प्रिय होता है, जैसे होता है ना केले के पेड़ की पूजा की जाती है बृहस्पतिवार को, तो बस यहाँ पे मैंने केले के पेड़ के नीचे भी रख दिया है दिया। और अभी मैं ले जा रही हूँ, दो तीन पेड़ हैं हमारे यहाँ तुलसी जी के, दो तीन गमले हैं, तो मैंने कहा चलो ये दिया है अभी तो उनके पास भी रख देते हैं, तो बस यही रख रही हूँ मैं। बाकी नीचे पूरे कमरों में ये रखा ये गए हैं रखने के लिए, रखाएंगे। और बाकी ऊपर यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ, ये भी तुलसी जी का पेड़ है, मतलब हमारे गमले में ना बहुत सारी तुलसी जी उगी हुई हैं, तीन चार गमलों में, तो वहाँ भी मैंने रख दिया। और यहाँ पे खुशबू दी गन्ने तोड़ रही हैं सबको देने के लिए, छोटा छोटा टुकड़ा। और आज के दिन मतलब जो रात होगी उसके बाद जो सुबह होगी, अर्ली मॉर्निंग हमारे यहाँ ना ये गन्ने का जो आगे वाला भाग होता है उससे हमारे यहाँ दरिद्रता को भगाया जाता है, वो मैं कैमरे में कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग होता है तो उस टाइम पर कैमरे में कैप्चर नहीं हो गया, मम्मी जी भगाती हैं, घर के बुजुर्ग भगाते हैं। तो यहाँ पर मैं बड़ों का आशीर्वाद ले रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पूजा करके बड़ों का आशीर्वाद ज़रूर लिया जाता है। हो चुकी है, जैसे मेरे यहाँ पूजा होती है मैंने वैसे पूजा कर ली है। और गन्ना कहाँ है, आज के दिन गन्ना जरूर चूसते हैं, तो गन्ने की पूजा हो गई, अब गन्ना चूसेंगे हम लोग। और कल जो है ना, कल आंवले के पेड़ के नीचे खाना बनता है हम लोग के यहाँ, कल है द्वादशी, कल हमारे यहाँ आंवला खाया जाता है, कल से ही खाना स्टार्ट किया जाता है। और मतलब आंवले के पेड़ के नीचे भी खाना बनता है हमारे यहाँ, बट अभी आंवले के पेड़ कहाँ मिलेंगे, गांव में तो बनता था, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आंवला ले आएंगे, उसकी चटनी बना लेंगे कल खाने के साथ। तो खैर चलिए, आज सिंघाड़ा और ये खाना है मुझे गन्ना। तो फिर चलिए ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।